गुड मॉर्निंग बच्चों, डिवाइड के अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए 3 नंबर का ये डिवाइड है, एक्सरसाइज 16। इसके पहले 2 डिवाइड में बनाकर दिखा चुका हूँ, तो आइए इसको बनाते हैं। 63, 40, 93, 27। इसको डिवाइड करने के लिए 63 इसको 60 मान के चलना होगा। इसमें अंदाज़ा लगाकर ही बनाया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा टेबल किसी को याद रहना मुश्किल है और कोई याद भी नहीं करता है। तो 60 मानते हैं, यहाँ 40 है, इसका मतलब है कि ये 2 डिजिट में नहीं जाएगा, ये 3 डिजिट में लेना होगा, 409। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 400 कितना में आएगा, तो देखते हैं। 66 2 12 63 18, 6 6 36 होता है, 6 7 42 होता है, तो 42 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 6 36। तो हम इसको चेक करेंगे, तो इसमें इस तरह से चेक करके भी बनाया जाता है। तो 63 6 6 3 18 1 6 36 और 37 1 37, तो इतने ही बार में जाएगा ये। 6 बार में हम इसको ले जाते हैं, फर्स्ट में 6 3 78, 9 में 8 1 10 में 7 3, ये ख़त्म हो गया और 3 नीचे में आ गया। ये 6 बार में इतना जा रहा है, 6 5 30, तो निश्चित रूप से 5 बार में जाना चाहिए। फिर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, सॉरी 5, ओके 5 3 15, 5 1 बच गया और 6 5 30 और ये आ गया यहाँ पे 31 15। इसका मतलब ये है कि 5 बार में भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार में जाएगा। तो हम लोग इसको 4 बार में चेक कर लेते हैं, 4 3 12 1 और 6 4 24 24 125, इतने बार में जाएगा। तो हम लोग इसको 4 बार में ले जाते हैं, 2 52 3 2 1 और 11 5 6, ये ख़त्म हो गया, 3 और ये 2 यहाँ पे आ गया, 10 बार में तो 60 आता है, लेकिन उतना नहीं जाएगा। हम इसको 54 6 9 10 54, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं, इसको 9 बार में चेक करते हैं, 63 9 जा ये 9 3 जा 27 और 2 बच गया और 9 6 जा 54 54 और 2 56, तो इतने ही बार में जाएगा, क्योंकि डिवाइड बनाते समय हम लोग जानते हैं कि किसी भी टेबल को 10 बार हम लोग नहीं पढ़ सकते, 9 बार तक ही पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग 9 बार में ले जाते हैं, ये 4 है, इसको 9 बार में ले जाते हैं, 567 567, इसको माइनस कर देते हैं, 12 में 7 5, और यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर ये कैरी लेते हैं, 10 हो जाएगा, 6 4, ये कट गया, 2 7, तो 457 हो रहा है। और हम लोग कितने बार में ले गए थे, 6 बार में, और 7 बार में 6 7 जा 42, तो हम लोग 6 7 जा, तो 63 7 जा चेक करते हैं, 7 3 जा 21, 2 7 6 जा 42, 42 और 2 44, इतना जा रहा है, तो निश्चित रूप से इतना ही जाएगा, 7, ओके 7 बार में 4 4 1 7 6 6 5 4 1, ये कट गया। तो इसका कोसेंट के लिए क्यू लिखेंगे, 6 4 9 7, और रिमाइंडर के लिए आर लिखेंगे, 16, ये इतना बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, 4 नंबर में, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे 4 नंबर देंगे और यहाँ से डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। 125 से डिवाइड करेंगे 30 18 02, यहाँ पे इसको 125 का टेबल पढ़ेंगे, तो
तो 125 का टेबल पढ़ने में हमें दिक्कत होगा, हम 100 का टेबल पढ़ सकते हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे 300 है तो 125 पूजा अगर सिंपली हम लोग देखते हैं तो 100 और 25, 100 200 हो गया और 25 50 तो 250, तो 250 और अगर 3 बार में हम लोग जाते हैं तो 250 और 100 350 और 375 तो अधिक हो जाएगा। तो 2 बार में जाते हैं हम लोग 250 1 और यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 5, ये कट गया और यहाँ पे 8 100 5 बार में 500 तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 400 4 बार में अगर जाते हैं तो ये 4 बार में 500 होगा, तो निश्चित रूप से ये 4 बार में ही जाएगा। तो 4 लेते हैं, 2 बार में 250 तो 2 बार और ले जाते हैं, 250 500 हो जाता है, तो 500 इक्वल 500 होगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे 0, तो 125 है, 2 बार में जाते हैं तो इतना चला जाता है, 180 है यहाँ पे, तो 1 बार में ही जाएगा, तो 1 बार ले जाते हैं 125, 10 में 5 10 में 5 तो इसमें 5 और यहाँ पे हो गया 7, 7 में 2 5 ख़त्म हो गया ये, और यहाँ पे 2 तो फिर यहाँ पे 500 और फिर जाते हैं तो 625 हो जाएगा, तो यहाँ जाने वाला है नहीं, इसका मतलब है कि 4 बार में ही जाएगा, 4 बार में 500 और 52 तो ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि कोसेंट 2414 और रिमाइंडर 52, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।